अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी टॉप 100 गवर्नमेंट जॉब एमसीक्यूज में। अगर लेट्स सपोज अगर आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेस्टिंग एजेंसी जैसे कि FPSC, KPPSC, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटा, NTS, जो भी पोस्ट के लिए जो भी टेस्टिंग एजेंसी किसी भी पोस्ट का अगर टेस्ट ले रही है या लेने वाली है, तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग पीछे जितने भी पास पेपर्स हुए हैं उन सब की कंपाइलेशन लेकर हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है टॉप 100 गवर्नमेंट जॉब इंस्टीट्यूट का, जिसका ऑलरेडी पार्ट वन हम लोग कवर कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है। आज जो है इस वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन जो है हम लोग ऑलरेडी इसका कर चुके हैं, तो इसमें हम लोगों ने 40 तक इंस्टीट्यूट जो है हम लोगों ने कवर कर लिए थे, यस 40 तक। और फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इनमें से 100% जो है MCQ पेपर्स में गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स में लाजमी आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये सीरीज़ जो है खामखा देखें, लाजमन देखें। और दूसरी बात ये है कि अगर न्यू विजिटर हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको उसी तरह की वीडियोज के अलर्ट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहें आगे इन फ्यूचर में। आइए स्टार्ट करते हैं 41। हू स्टार्टेड द फिराजी मूवमेंट? फिराजी मूवमेंट बेसिकली 1819 में ईस्ट बंगाल में स्टार्ट की गई थी, जिनके फाउंडर थे हाजी शरीतुल्लाह साहब। द कशफुल मौजूद वाज रिटन बाय तो हजरत दाता गंज बख्श। देन हु रिसीव्ड द फेमस बुक द इंडियन मुसलमंस इन 1872? ये सर सैयद अहमद खान है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 वॉज पास्ड ऑन 27 अगस्त 1858 को ये जो है ये पास हुआ था। द बुक खुतबे अहमदिया इज रिटन बाय ये थी सर सैयद अहमद खान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज इम्पोज्ड ऑन तो जैसे कि इंडियन 14 अगस्त को हुआ था और देन उसके बाद 15 अगस्त को वहाँ पे उन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस, जो कि उन एग्जैक्ट डेट पर मैं आपको बताऊँ तो 29 दिसंबर 1930 को इन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है फेमस अलाहाबाद एड्रेस जो है एड्रेस किया था। ये जो है एड्रेस 25th एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर इन्होंने दिया था, एड्रेस जो है 1930 में दिया था। एड्रेस का मकसद क्या था फ्रेंड? एड्रेस का मकसद था फ्रेंड टू एक्सप्लेन अबाउट द मेजर एंड डिटरमिनिंग फैक्टर इन द लाइफ ऑफ इंडियन मुस्लिम, मुसलमानों के ऊपर जो है ज़्यादती और जुल्म वगैरह से के बिना पर एक प्रोटेस्ट के तौर पर ये प्रोटेस्ट के तौर पर इन्होंने जो है ये एड्रेस किया था मुसलमानों की बिहाफ पे। He defined the Muslim Indian as a nation and recommended there could be no possibility for peace in India without recognizing them as one. तो इनका मैसेज ये था कि दो जो है अलग सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए, इनको एक ही मुल्क कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और उनके लिए अलग अलग सेपरेट होम लैंड होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर राइट आंसर हमारे पास 1930 है। In which year British East India Company occupied Punjab? Punjab basically British East Company established हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। ये भी अक्सर हम सीखे जाते हैं कि जो है British East India Company कब जो है found हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 में। Then उसके बाद ये भी questions आते हैं कि सिंध कब occupied किया इसने, तो 1873 में 83 में। देन बलोचिस्तान कब ऑक्यूपाइड किया था 1877 में। देन NWP कब जो है ऑक्यूपाइड किया था 1858 में। देन यहाँ पे हमारे पास पंजाब की बात है, तो पंजाब हमारे पास 1849 में। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर? तो जब इंडिपेंडेंस जैसे 1947 के बाद कौन सी जो है हमारे पास कम्युनिटी थी जिनमें ज़्यादा जो है मेजॉरिटी थी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर में, हिंदू या मुस्लिम? हम देख लेते हैं मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, तो यहाँ पे मुस्लिम जो है उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी।
तो ये भी एम सी यू आता है, कितनी मेजोरिटी थी, 77% मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की। विच स्टेट वॉज अटैक्ड बाई इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948 में, तो स्टेट ऑफ हैदराबाद भी कर। इन विच ईयर द कश्मीरी स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। डोगरा रूल बेसिकली द फाउंडर ऑफ द डेंसिटी गुलाब सिंह ने किया था 1930 पर, 1930 के मकाम पे। डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, डोगरा रूल बेसिकली इसी पर मबनी था कि इंडिया और हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग जो है वो होमलैंड होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस बम्बई में, जो है राइट आंसर। In which of the following cities All India Muslim League was formed? All India Muslim League Dhaka में है, तो इनका क़याम 1906 में हुआ था। Who was the viceroy of India at the time of partition of Bengal? बंगाल बेसिकली 1905 में इनकी जो है पार्टीशन हुई थी, तो उस वक्त के जो है विसरे थे लॉर्ड कर्जन। Who was the first president of All India Muslim League? सर आगा खान। इन विच ईयर अलीगढ़ क्रूसशिप बिल वॉज पास्ड। ये जो है ना फ्रेंड, अलीगढ़ क्रूसशिप बिल, ये बेसिकली एक मूवमेंट थी जिसको अलीगढ़ मूवमेंट भी कहते हैं, जिसकी बेसिकली तीन प्रिंसिपल हैं, लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन फॉर द मुस्लिम, टू कम्प्लीट विद हिंदूज टू कीप अवे द मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स। बेसिकली इनका मकसद ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है कायम की जाए मुसलमानों के लिए, ताकि वो हिंदूज के साथ कम्पीट कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। लॉयल्टी टू ब्रिटिश और टू कीप अवे द मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स, मुस्लिम को मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रखना। देन ये स्टार्ट हुई थी 1889। इन विच ईयर सैयद जमादुद्दीन अफगानी डाइड, कब जो है ये वफात पा गए थे, तो 1897। What was the real name of Tittu Mir? Tittu Mir का जो real name था निसार अली था। Which pass connects Pakistan with Afghanistan? Friends, ये passes के MCQs बहुत आते हैं। Which pass connects Pakistan with Afghanistan और which pass connects, तो pass को याद रखें, Punjab pass, Khyber pass, Tulsi pass, Gomal pass। इंशाल्लाह time मिला तो इन pass के ऊपर भी एक video जो है बनाऊंगा इंशाल्लाह। Khyber pass यहाँ पे right answer है। The highest peak of Salt Range is, Salt Range की highest peak जो है सकासा है। आगे चलते हैं। एक न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 में, तो इन्होंने चगी हिल्स के मकाम पर इन्होंने किया था। What is the total area of Punjab Province? पंजाब प्रोविंस का टोटल हिस्सा पूछ रहा है, एरिया इन किलोमीटर में पूछता है, तो हमारे पास यहाँ पे पंजाब का इतना है, जबकि यू आल्सो कैन नो कि पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है वो ये है। देन उसके बाद सिंध का टोटल हमारे पास ये है। देन उसके बाद केपीके का जो है हमारे पास टोटल ये सा है, किलोमीटर में फ्रेंड बात हो रही है यहाँ पे। और बलूचिस्तान का जो है हिस्सा ये है, एंड इस्लामाबाद का हिस्सा हमारे पास ये है फ्रेंड्स, को भी याद रखें फ्रेंड्स। द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज, गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो गिलगित है। हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन? कादी आजम मोहम्मद अली जना। पाकिस्तान स्टील मिल्स इज लोकेटेड इन कराची। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? यहाँ पे सेकंड की बात हुई है, जैसे कि फर्स्ट जो है वो लियाकत अली खान है, सेकंड हमारे पास ख्वाजा निजामुद्दीन है, थर्ड मोहम्मद अली बोगरा है, एंड द फोर्थ वन इज चौधरी मोहम्मद अली। इसी तरह आगे भी हैं ये फ्रेंड, आप चेक करो, लेकिन यही एमसीक्यू ज़्यादा रिपीटेड रहते हैं, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ। The 1973 Constitution of Pakistan came into force on 14 August 1973.
The 1962 Constitution of Pakistan was passed during the regime of किसके दौरानिया किसी दौरानिया हुकूमत में या ये पास हुआ था अयूब खान के दौर में. ICT stands for Islamabad Capital Territory. Okay, first charter of human rights is Khutbah Hijjatul Wida. Okay, the members of Punjab Assembly are Punjab Assembly ke total 371 members. Tenure of National and Provisional Assemblies is 5 years. Number of houses of Pakistan, Majlis-e-Shura, Parliament, basically two hain, ek upper house and lower house, jise upper house Senate and lower house National Assembly. Okay, the Supreme Commander of Pakistan Armed Forces is President. Okay friends, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह जो बाकी के एमसीक्यूज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें. जिनको अगर इनका पीडीएफ चाहिए मुकम्मल 100 एमसीक्यूज का तो काइंडली कमेंट्स करें. जिनके कमेंट्स मेजॉरिटी में होंगे, ज़्यादा होंगे, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका पीडीएफ भी अपलोड कर लूँगा. पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी हो चुके हैं. पार्ट थ्री जो है पीडीएफ के साथ होगा. अगर आपने जो मैसेज वगैरह अगर कमेंट्स वगैरह करें ताकि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं पीडीएफ नेक्स्ट पार्ट के साथ ही जो है अपलोड कर दूंगा. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि अगर न्यू वीडियो है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अलर्ट और नोटिफिकेशन भी मिलती रहे. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. God bless you and thank you so much.